नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी क्रॉस स्टिच। वैसे तो ये स्टिच बहुत ही कॉमन है, आप में से कई लोगों को आता होगा, लेकिन ये स्टिच मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसके धागे मेरे बचपन से जुड़े हुए हैं। बचपन में जब भी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, मैं अपनी मम्मी के साथ अपने गांव में आ जाती थी। और मेरा जो गांव है ये एक ही गांव है क्योंकि मेरी मम्मी का मायका और ससुराल दोनों एक ही गांव में है। तो गांव की सभी औरतें, जैसे मेरी मम्मी, मासी, चाची, नानी, सभी लोग घर का सारा काम खत्म करके लंच के बाद इस तरह से साथ में बैठती थी और इस तरह की आसनी बनाया करती थी। उस टाइम डाइनिंग टेबल चेयर्स नहीं हुआ करते थे, तो फ्लोर पर बैठकर ही खाना खाया जाता था और इस तरह के आसनी पे बैठा जाता था। इसलिए ये बहुत ही एक कॉमन आर्ट है जो घर घर में बनाया जाता है बंगाल में। तो बचपन से यही आर्ट में देखती हुई सीखती हुई आई हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मेनली इसमें सिर्फ क्रॉस स्टिच ही यूज किया जाता है। देखिए, ये वाला एक इनकम्प्लीट वर्क है, इसमें दो मोर बनाए हैं मैंने और गुलाब का फूल बनाया है, पत्ते बनाए हैं। देखिए, ये भी एक इनकम्प्लीट वर्क है, ये मेरी मासी बना रही थी। तो पहले मेनली इसमें कोई भी एक डिजाइन बना दिया जाता है, उसके बाद किसी एक कलर से जो इसका ऑपोजिट हो, जैसे लाइट कलर, या फिर लाइट कलर से डिजाइन बनाया हुआ हो तो डार्क कलर, वो यूज करके इसे पूरा फिल कर दिया जाता है ताकि ये जो जूट का जो कारपेट है ये बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो चलिए हम क्रॉस स्टिच सीखते हैं। देखिए, आसनी बनाने के लिए इस तरह की जूट की बोरी इस्तेमाल की जाती है। आजकल क्राफ्ट शॉप्स में भी ऐसे जूट के कारपेट्स छोटे पीसेस में मिलने लगे हैं। तो गांव में ऐसी बोरियों को स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया जाता है इस तरह से, और फिर इस पर डिजाइन बनाया जाता है। देखिए, मैं आपको एक फिनिश्ड वर्क दिखाती हूँ। देखिए, ये पूरा बनाने के बाद इसको यहाँ से पूरे बॉर्डर से कपड़ा लगा के बैक साइड भी इस तरह से फिनिश करते हैं। डिजाइन इतना मैटर नहीं करता, बस ये बहुत ज्यादा कलरफुल बनाया जाता है और सिंपल सिंपल मोटिव्स ही बनाए जाते हैं। आप चाहें तो कोई डिफिकल्ट सा क्रॉस स्टिच का डिजाइन डाउनलोड करके बना सकते हैं, लेकिन गांव में मेनली इसे सिंपल डिजाइन में ही बनाया जाता है। देखिए, अभी मैं आपको इस आसनी पे एक सिंपल क्रॉस बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, इन क्रॉस को हम दो दो लाइन्स पे बनाते हैं। यहाँ पे जो दो लाइन्स है, देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो दो लंबे लंबे लाइन्स हैं, इन दोनों को मिलाकर हम एक क्रॉस बनाते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट में अपने सुई को इंसर्ट करते हैं और यहाँ से मान लीजिए हमें एक क्रॉस बनाना है इस तरह से, तो यहाँ से दो लाइन्स और यहाँ से इस तरफ से भी दो लाइन्स। तो इस पॉइंट में अगर हम ऊन को निकालते हैं तो दो लाइन्स के बाद इस तरह से कॉर्नर करके हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ताकि ये क्रॉस इस तरह से बने। ये क्रॉस का एक लाइन बन गया, अब दूसरा लाइन हमें ऐसे बनाना है। तो आप ये कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ तक लाइए या फिर यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ तक लाइए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और देखिए, यहाँ से निकालने के बाद यहाँ इंसर्ट करती हूँ, तो ये हमारा बन गया एक क्रॉस। तो इसी तरह से इस क्रॉस स्टिच डिजाइन को बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्रॉस स्टिच की बुक है, ये लीना पॉल जी की बुक है, ये मैंने किसी बुक फेयर से खरीदा था। ये देखिए, काफी अच्छे अच्छे डिजाइन है। तो इसमें से एक छोटा सा डिजाइन मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से क्रॉस स्टिच करते हैं। तो पहले मैं ये येलो वाला ऊन ले रही हूँ, एक लंबा सा ऊन काट लीजिए, उसको सुई में डालिए, ऊन के एक एंड को गांठ लगा लीजिए ताकि पीछे से निकालते वक्त ये निकल ना जाए। तो इस डिजाइन के बीच में एक ऑरेंज कलर का क्रॉस है, तो हम इस आसनी के बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट निकालेंगे। आप गिन के भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से चार फोल्ड करके भी इसका पॉइंट निकाल सकते हैं। सपोज देखिए, यहाँ पे हमारा मिडिल है, तो यहाँ पे हम ये जो मिडिल वाला पॉइंट है उसे शुरू करते हैं। तो देखिए, इस ऊन से हम पहला क्रॉस बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने इंसर्ट किया है ऊन, तो डायगोनल इस तरह से जाएगा, यहाँ इंसर्ट होगा। अब क्रॉस का दूसरा लाइन बनाने के लिए हम सुई को यहाँ से निकालेंगे और फिर से यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये हमारा पहला सेंटर का क्रॉस बन गया। अब मैं इस येलो ऊन को फिलहाल यहीं पे छोड़ देती हूँ और दूसरे कलर का ऊन सुई में लगाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मैंने पर्पल ऊन ले लिया है और इस पॉइंट के चारों तरफ हमें क्रॉस बनाना है। तो देखिए इसके डायरेक्ट नीचे मैं बना रही हूँ, यहाँ से मैंने धागा इंसर्ट किया है, यहाँ से हम यहाँ आएंगे। अब ये लाइन ऐसे जाएगी, तो यहाँ से अगर निकली है तो इसके डायगोनली यहाँ पे इंसर्ट होगी। अब इस क्रॉस के बाद आप यहाँ पे भी क्रॉस ले सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी यहाँ के पॉइंट से निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इंसर्ट करती हूँ इसे और इसके दो लाइन बाद निकालती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने निकाला, देखिए ये क्रॉस यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इसके बाद इसके ऊपर वाला क्रॉस मैं बनाऊंगी, तो मैं चाहूँ तो यहाँ निकाल सकती हूँ या यहाँ निकाल सकती हूँ, कहीं भी। अब इसके ऊपर और तीन क्रॉस बनाएंगे, तो मैं इसको इस तरह से घुमा लेती हूँ और तीन क्रॉस इस तरह से बना लेती हूँ। तो ये वाला क्रॉस बन गया। अब इसके बाद इस तरफ बनेगा, तो मैंने सुई को इस तरफ घुमा दिया है ताकि जो अगला क्रॉस है वो मेरा इस तरफ से बनना शुरू हो जाए। तो देखिए ये मेरा आखिरी क्रॉस है। अब यहाँ पे सुई को इंसर्ट करते ही ये क्रॉस पूरा बन जाएगा। अब मैं दूसरा कलर सुई पे लगा लूंगी। तो देखिए फिर से सुई पे मैंने येलो वाला ऊन ले लिया है और जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का ये चार ट्राइंगल्स बना हुआ है वो बनाऊंगी येलो से। इसके डायगोनल से ये ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 5 ऑरेंज यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल जैसा ग्राफ में दिखाया हुआ है उसी तरह से इस पर्पल स्क्वायर के एक डायगोनल से हम इस येलो ऊन को निकालेंगे और यहाँ पे 5 क्रॉस बनाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट करने पे ये 5 बन जाएंगे। अब इसके नीचे हमारा और 4 का लाइन है। तो देखिए जिस तरह से ये 5 क्रॉस बनाए हैं उस तरह से ठीक इसके नीचे अब 4 क्रॉस बनाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारा क्रॉस ऊपर से सही तरीके से बनना चाहिए। वैसे आप कहीं से भी निकालिए और कहीं भी इंसर्ट कीजिए, ऊपर से क्रॉस बनना चाहिए। फिर 4 क्रॉस बनाने के बाद उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 2 और उसके नीचे 1, इस तरह से पूरा बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा ये येलो ट्रायंगल खत्म हो रहा है और नेक्स्ट ट्रायंगल हम इसके नीचे वाले से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए डिजाइन में इसके बाद 1 2 3 3 क्रॉस की जगह छोड़ने के बाद चौथी जगह से हमें दोबारा ये क्रॉस उठाना है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये 1 ये 2 और ये 3, 3 गैप छोड़ के हम यहाँ से सुई को बाहर निकालेंगे। और 3 जगह इस तरफ छोड़ी है तो बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे हमें एक क्रॉस बना देना है। अब यहाँ का ट्रायंगल पूरा हम बना लेंगे, तो इसी तरह से हम इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा क्रॉस स्टिच वैसे तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, लेकिन इसे बनाने में समय ज्यादा लगता है। वैसे तो कोई भी नीडल क्राफ्ट हो, सुई धागे का काम हो, तो टाइम तो लगता ही है, हमें पेशेंटली इसे बनाना होता है। तो इसीलिए मैं इस डिजाइन को बनाने का बाकी का वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये ग्राफ का डिजाइन मैंने क्रॉस स्टिच करके पूरा बना लिया है। ब्राइट कलर्स की वजह से ये काफी खूबसूरत लग रहा है। अब इस डिजाइन के बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इस इन चारों कोने पे इस डिजाइन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, या फिर अगर जगह कम लगे तो थोड़ा सा पोर्शन जो है उसको लेकर यहाँ पर चारों कोने पे रिपीट कर सकते हैं। और पूरा डिजाइन बनाने के बाद आपको किसी भी लाइट कलर से इसको फिल कर देना है ताकि ये जो ब्राइट कलर्स हमने यूज किए हैं और ज्यादा पॉपअप होकर आए। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको ये क्रॉस स्टिच वाला क्राफ्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने खूबसूरत कमेंट्स भी लिखना मत भूलिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।